गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5000 रुपये के अंदर में बेस्ट स्मार्टफोन। और इस वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन है ये सभी जो है बेस्ट है अपने प्राइस पे। और क्योंकि आपका बजट बहुत कम है तो इस फोन को जो है किसी अदर फोन के साथ, किसी महंगे फोन के साथ कंपेयर तो बिल्कुल ही मत करना। फिलहाल इस प्राइस पे जो बेस्ट फोन है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसमें नंबर 5 पे हमारा है पोको C50। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइनिंग वाइज ये काफी अमेजिंग है। साथ ही बैक साइड में डुअल कैमरा और एक लंबा सा फ्लैश लाइट, साथ ही फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। और बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पे 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और इसमें आप SD कार्ड लगा सकते हो, ये अप टू 512GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 6.52 इंचेस का HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है। 8 MP का बैक साइड में कैमरा, साथ ही 2 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल सकता है, जहाँ पे काफी अच्छा सा फुटेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, तो बैकअप वगैरह काफी अच्छा मिल जाएंगे। इसमें आप थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह कर सकते हो। काफी अच्छा सा प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाता है, इसमें मीडियाटेक हेलियो Z22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पे काफी बढ़िया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैक साइड में जो है लेदर फिनिश टेक्सचर देखने को मिल जाता है और काफी बढ़िया ग्रिपिंग वगैरह भी मिलने वाला है। वैसे बहुत से आदमी कवर के साथ यूज करते हैं तो उनको ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एंड्रॉइड 12 इसमें देखने को मिल जाता है और बैक साइड में जो है फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो 400 निट्स है। साथ ही इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 5999 रुपीज में मिल जाता है। नंबर 4th पे हमारा है नोकिया C22 स्मार्टफोन। और यहाँ पे आप इसका लुकवाइज देख सकते हो, और ये लुकवाइज तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 5000 का कोई फोन है। इसका डिजाइनिंग भी काफी अच्छा है। साथ ही इसकी स्टोरेज वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पे 2GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है 6.5 इंचेस का HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि रियर में 13 MP का एंड फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड इसके भी फुटेज काफी बढ़िया होने वाले हैं। ये 4G स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे भी 5000 mAh का देखने को मिल जाता है। और यदि आप इसे परचेज करते हो तो 7 दिन का रिप्लेसमेंट है, तो आप इसे परचेज करके यूज कर सकते हो, और फिर यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप रिटर्न वगैरह भी कर सकते हो। वैसे इसमें 1 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है, और आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 5999 रुपीज में मिल जाता है। वैसे अभी आप जितने भी स्मार्टफोन देख रहे हो सभी लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3rd पे हमारा है इंटेल ओरा 05। एंड आप इसका डिजाइनिंग देख सकते हो, ये भी काफी बढ़िया है। एंड इसमें भी पीछे में लेदर फिनिश टेक्सचर देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिजाइनिंग वाइज ये काफी प्रीमियम है। बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो यहाँ पे 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, और ये अप टू 128GB तक के SD कार्ड को सपोर्ट करता है। इसका कैमरा जो है उतना बेस्ट नहीं है, यहाँ पे 5 MP का रेयर में एंड 0.3 MP कैमरा देखने को मिल जाता है, विच इज नॉट वेरी गुड, बट इट्स गुड एट दिस प्राइस रेट। यदि आप प्राइस देखो तो ये काफी ठीक ठाक है। और इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी फिंगरप्रिंट जो है देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इतने कम प्राइस पे ये सब चीजें नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ पे यदि ये सब चीजें देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। ये 4000 mAh के बैटरी के साथ आता है, साथ ही यूनिशॉक प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। डुअल सिम कार्ड आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे 60Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पे हमारा है आईटेल A23S। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी डिजाइनिंग वाइज काफी बढ़िया है, बट यदि आप इसे आगे से देखते हो तो ये एक ओल्ड फोन का वाइब देता है। बट वहीं यदि आप इसके प्राइस देखते हो तो ये सब चीजें तो इग्नोर करना पड़ेगा। बात करते हैं इसके स्पेक्स की, तो यहाँ पे 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 मल्टी कलर में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 5 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाता है, एंड इट्स ऑल्सो HD स्क्रीन। इसमें 2 MP का रेयर में एंड 0.8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड अगेन इसके भी कैमरा उतने बेस्ट नहीं है, बट ठीक ठाक है। 3020 mAh का इसका बैटरी है, और ये एक तरह से ओल्ड फोन है तो इतना बैटरी इसके लिए ठीक ठाक है। यूनिशॉक क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है, एंड यहाँ पे भी एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मली जो चीजें हैं वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 4799 रुपीज में मिल जाता है। नंबर
फोन पे हमारा है IKEA K280 स्मार्टफोन और आप इसका लुक देख सकते हो। डिजाइनिंग वाइज ये भी काफी प्रीमियम है। बात करते हैं इसके स्पेक्स की तो यहाँ पे 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये भी मल्टी कलर में अवेलेबल है और यहाँ पे 6.26 इंच का HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 कैमराज दिख रहा है, बट यहाँ पे 3 कैमरा नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैमरा है और ये है 13 मेगापिक्सल का, एंड सेल्फी कैमरा जो है इसका वो 8 मेगापिक्सल का है और ये सभी जो है डिजाइनिंग पर्पसेस है। बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे 3600mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। एंड्रॉइड 6 के साथ आता है ये, एंड इसमें भी क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिजाइनिंग वाइज भी ये काफी बढ़िया है, एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको 4999 में मिल जाता है।